मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराडे और स्वागत करता हूं आपका पवन बाग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने यूनिट 2.4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये कविता हमने पूरी समझ ली है, पढ़ ली है, और इसमें जो कुछ भी था पहले वीडियो में हमने इसके बारे में इसका आइस ब्रेकर सेशन दिया, उसके बाद में इसके जो कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ उनके बारे में जानकारी दी और ये कविता भी हमने पढ़ ली है। एक बार इस कविता को फिर से रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ। इस वीडियो में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं, ठीक है। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर डन वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी दिस सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग साइलेंट बेयर Ships, towers, domes, theatres, and temples lie upon open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock, or hill. Ne'er saw I, never felt a calm so deep. The river glideth on its own sweet will, dear God. The very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still. ठीक है, तो ये कविता है। कविता में कवि कह रहे हैं कि पृथ्वी पर शायद ही कोई इतनी सुंदर जगह होगी जितनी की ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज से जो लंदन की लंदन का दृश्य दिख रहा है वो जगह, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इतना निरस इंसान होगा, इतना हम उसको क्या कहेंगे, इन इतना शायद कोई निरस होगा कि इतना कोई अनदेखा कर देगा कि इतना सौंदर्य से इतना कोई शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सौंदर्य की पहचान ना हो, जो इस सौंदर्य को अनदेखा करके आगे चला जाए। इसका मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ये सुंदर है। और वो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ये जो शहर है जैसे मानो इसने कोई गहना इस सवेरे इस सुबह पहन लिया हो, इतना सुंदर वो शहर दिख रहा है। यहाँ की हवा बिल्कुल ही धुएं से और धुंध से बिल्कुल साफ है, धुआं नहीं है, धुंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद ही कभी सूरज इतनी सुंदरता से अपने किरण किस पर डालते हुए किसी चीज पर डालते हुए ना उसने कभी कोई दरी में या कोई पहाड़ों पर डाला होगा या फिर छोटी 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 पहाड़ों पर या फिर पत्थरों पर इतने अच्छी तरह से अपना प्रकाश डालते हुए उस सारी जगह को रोशन कर दिया है। यहाँ की जो नदी है वो भी अपने ही हिसाब से आराम से बहती जा रही है। भगवान, ये क्या है? क्या ये आपके हृदय की बात है या फिर आपका हृदय ही आपने खुला करके इस चीज को बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये कविता है। चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम इज अ मस्ट डिस्कस विद योर पार्टनर एंड प्रिपेयर अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। पांच क्वेश्चंस हमको बनाने। एक क्वेश्चन तो दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का नाम क्या है, ये हमको दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं। मान लीजिए व्हेन इज द पोएट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, है ना, व्हेन इज द पोएट स्टैंडिंग, या फिर एट व्हाट टाइम इज द पोएट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। दूसरा सवाल हम करते हैं, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे of the day is the poet at the bridge or on the bridge भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल, उसके बाद में एक सवाल हम ऐसा भी ले सकते हैं, who would be dull of soul, would be dull of soul, कौन ऐसा, कौन निरस व्यक्ति, निरस व्यक्ति किसे कहा गया है या फिर कौन ऐसा होगा जो निरस है,
उसके बाद में हाउ इज द मॉर्निंग एयर, ठीक है, आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, हाउ डज द रिवर ग्लाइड, ठीक है। तो ये सारी बात, अभी ये सवाल तो हमने यहां पर लिख लिया है, इसके जवाब भी हम ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज? द नेम ऑफ द ब्रिज इज वेस्टमिंस्टर ब्रिज। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द पोएट स्टैंडिंग, इज पोएट एट द ब्रिज? पोएट इज स्टैंडिंग एट द ब्रिज इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग। हु वुड बी डन ऑफ सोर्ट? ही हु ओवरलुक्स द ब्यूटी ऑफ द ब्रिज और ओवरलुक्स दिस ब्यूटी एंड passes on without taking notice would be dull of soul. How is the morning air? The morning air is smokeless. How does the river glide? The river glides swiftly at its own will. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सवाल बना लिए हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। A2, choose the correct alternative for the given lines. Focus on the inference of the poem, of the poet. Poet ने किस तरह से उसको poet ने उसको किस तरह से हमसे कहना चाहा है उसको समझते हुए हमको इन सवालों के जवाब दें। Earth has not anything to show more fair. इसका मतलब क्या होता है? है ना कि दुनिया में शायद ही इतनी अच्छी जगह कोई होगी, ऐसा कवि अपनी कविता से कहते हैं। उसकी उसका मतलब यह है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, है ना, इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, ऐसा कवि कहते हैं। पर उसका मतलब क्या है फिर? क्या वो कहना चाहते हैं पोएट थिंग्स दैट द प्लेस वाज नॉट सो गुड? क्या कहे कवि कहना चाहते हैं कि वो जो जगह है जिसके बारे में कवि बात कर रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है? द पोएट थिंग्स दैट देयर इज अनदर प्लेस व्हिच इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस। क्या कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में उससे भी सुंदर या फिर उसी तरह से सुंदर जगह और भी है? या फिर कवि कहना चाहते हैं द पोएट थिंक्स दैट देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ व्हिच इज एज ब्यूटीफुल एज दिस वन। या फिर कवि कहना चाहते हैं कि ये जगह जितनी सुंदर है उस जगह जितनी सुंदर जगह है शायद दुनिया में कोई और शायद ही होगी, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। तो द पोएट थिंक्स दैट देयर इज नो प्लेस, A2 पहले का करेक्ट आंसर है 3, है ना। देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ व्हिच इज एज ब्यूटीफुल एज दिस वन, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरे बी के ओर, है ना। ये पहले में ए है, ये दूसरा बी। बी क्या है? डल वुड ही बी ऑफ सोल, ही बी ऑफ सोल हु पास बाय, हु कुड पास बाय, मतलब वो निरस होगा जो इसको अनदेखा कर आगे चला जाएगा। वन कैन वॉक ओवर द ब्रिज एंड इग्नोर द सराउंडिंग ब्यूटी। इसका मतलब क्या है कि आप पुलिया पे से या पुल पे से जाते हुए आसपास का जो सौंदर्य है उसको अनदेखा कर सकते हो। वन कैन हॉल्ट एट अ प्लेस टू एंजॉय द ब्यूटी। या फिर वो कहना चाहते हैं कि आप उस जगह से जाते हुए गुजरते हुए रुक कर उस सौंदर्य को देख सकते हो, उसका आस्वाद ले सकते हो। और एनीवन विद एन एप्रिशिएटिव माइंड वुड नॉट बी एबल टू इग्नोर द ब्यूटी। या फिर ऐसा जो व्यक्ति है जिसका जिसकी सोच एप्रिशिएटिव है, जिसको सौंदर्य की थोड़ी बहुत समझ है, वो व्यक्ति उस जगह से उस सौंदर्य का आस्वाद लिए बगैर वहां से जा ही नहीं सकता। इसका भी जवाब है ना, एनीवन विद एन एप्रिशिएटिव माइंड वुड नॉट बी एबल टू इग्नोर द ब्यूटी, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। दिस लाइन एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग द साइट ही सॉ फ्रॉम द ब्रिज इज ब्यूटीफुल। देयर आर अ फ्यू मोर लाइंस सिमिलर टू द अबव विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर फाइंड देम एंड डिस्कस व्हाट दे एक्सप्रेस। चलिए तो इसमें से हमको क्या करना है, कविता में से ऐसी एक दो लाइनें हमको चुन कर निकालनी है जो उसका सौंदर्य का बखान कर रही है, फिर उसके सौंदर्य के बारे में बात कर रही है। अर्थ हैज नथिंग टू शो, ओके।
अ साइट सो सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, ये भी एक लाइन है, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। उसके बाद में द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टील, आज के पहले सूरज ने इतनी अच्छी तरह से अपनी रोशनी डालकर किसी चीज को रोशन नहीं किया था, है ना। तो ये भी एक लाइन है, तो ऐसे तीन लाइन हमने देख ली है। दूसरा सवाल, उसके बाद का सवाल है तीसरा सवाल, ए टू का तीसरा सवाल, पेज नंबर 83 का आखिरी सवाल। द पोएट पोम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ द सिटी रिच इन इट्स नेचुरल ब्यूटी, वर्क इन पेयर्स ग्रुप्स एंड पिक आउट द लाइंस फ्रॉम द पोएम विच गिव द पिक्टोरियल इफेक्ट ऑफ द पोएम, राइटिंग योर ओन वर्ड्स। अभी देखिए दो चीजें अलग अलग है, सौंदर्य का बखान करना और पिक्टोरियल, मतलब एक पिक्चर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक चित्र तैयार करता है, ऐसी कुछ लाइनें भी होती है ना। जैसे द शिप्स टॉवर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन टू द स्काई एंड द फील्ड्स, ठीक है, वो एक है। उसके बाद में ऑल ग्लिटरिंग एंड स्मोकलेस एयर, मतलब यहाँ पर हमें सोच, हम सोच सकते हैं कि भाई धुआं है, धुआं बिल्कुल भी नहीं है, इतना साफ चित्र हमको दिखाई पड़ रहा है। द रिवर ग्लाइडेड ऑन हिज ओन स्वीट विल, और नदी ऐसी आराम से धीरे से अपने अपने आप से अपने ही धुन में बहती जा रही है, ये एक चित्र हमारे दिमाग में तैयार करता है, ठीक है। तो ये एक, चलिए क्वेश्चन नंबर A3 पेज नंबर 84 का पहला सवाल है। फाइंड आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब द फॉलोइंग, व्हाट इज डन फॉर यू। देखिए अभी इसमें कविता में जितने भी शब्द आए हैं उन सारे शब्दों के साथ में कुछ ऐसे शब्द कवि ने उपयोग किए हैं जिनके बारे में उस जिसकी वजह से वो उस शब्द के बारे में कहना चाह रहे हैं। जैसे एयर रिवर हाउस, एयर रिवर हाउस मॉर्निंग एंड सन, ठीक है। तो साइट साइट के बारे में क्या कहते हैं, वो जो दिया गया है टचिंग इट्स मैजेस्टी, टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, ठीक है। एयर कैसी है, स्मोकलेस, ठीक है, एयर है स्मोकलेस। रिवर कैसी है, ग्लाइड एट इट्स ओन विल, ग्लाइड एट इट्स ओन विल, एट हिज है ना, एट हिज। हाउस असलीप, मॉर्निंग कैसी है, साइलेंट एंड बेयर, और सन कैसा है, स्टीपली ब्यूटीफुल, स्टीपिंग ब्यूटीफुली। मतलब बहुत अच्छी तरह से रोशनी डालकर रोशन कर रहा है किसी चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीड द लाइन A4, क्वेश्चन नंबर A4 पेज नंबर 84। रीड द लाइन, द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वेयर, द पोएट इमेजिन्स दैट द सिटी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गारमेंट, हेंस द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। फाइंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, एक तो है गहना पहना है, गहना पहनता कौन है, इंसान पहनता है, तो इंसान की ये एक इंसान का जो गुण है, इंसानों का जो एक गुण है गहना पहनने का, वो उस शहर को दिया गया है, तो उसी की वजह से वो उसको पर्सोनिफिकेशन हम कहेंगे। अब दूसरी बात, दूसरा पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण जो है, सन एट हिज ओन विल, ठीक है, हिज। देखिए कभी भी ये जो प्रोनाउन होता है हिज और हर, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसानों के लिए उपयोग किया जाता है ना, और निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीजों के लिए हम इट यूज करते हैं, इट, है ना।
यहां पर सन के लिए ही यूज किया है, तो इसीलिए ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है, सन एट हिज ओन विल, है ना, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, इन हिज सॉरी सर ओन विल सन सॉरी इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, ये सन के बारे में, ये सन के बारे में कहा है। दूसरा पर्सोनिफिकेशन है द रिवर ग्लाइडेड एज एट हिज ओन विल, एट हिज ओन विल, ठीक है। अभी सूर्य और नदी ये दोनों भी निर्जीव होते हुए भी उनके लिए लेखक ने, कवि ने ये हिज पर्सोनिफिकेशन हिज प्रोनाउन यूज किया है, तो इसीलिए ये दोनों भी पर्सोनिफिकेशन हम कह सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि ए फोर का टू डन वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, तो ये दिस लाइन ऑफ द पोएम कैन बी रिटन एज ही वुड बी ऑफ डल सोल, मतलब ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके लिखा हुआ है, तो उसको अगर आसान भाषा में आसान शब्दों में लिखना है तो ही वुड बी ऑफ डल सोल ऐसा हम लिख सकते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन, है ना, उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्जन फ्रॉम द पोएम, पोएम के कुछ ज्यादा और दो तीन एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं। नेवर डिड सन, नेवर डिड सन, है ना, ये है इन्वर्जन, मैं इन्वर्जन का उदाहरण आपको बता रहा हूं। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, मोर ब्यूटीफुली स्टीप, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सन नेवर ब्यूटीफुली स्टीप, है ना, सन नेवर नेवर द सन डिड नेवर ब्यूटीफुली स्टीप, इसको ऐसी तरह से हम लिख सकते हैं आसान शब्दों में। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन विल, नेवर सॉ आई, उसके बाद में इन्वर्जन का दूसरा उदाहरण है नेवर सॉ I never saw, आराम से, है ना, आसान शब्दों में लिखना है, तो इसको इन्वर्जन मतलब इसको थोड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं कि शब्दों का हेर फेर करके आगे पीछे करके उसको लिखा गया है, उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। अगला सवाल है द पोएम इज अ पेट्रियार्कल सोनेट, अभी देखिए पेट्रियार्कल सोनेट क्या होता है, पेट्रियार्कल सोनेट होता है ऑक्टेव, ये होता है सेस्टेट, ऑक्टेव होता है एट लाइंस, सेस्टेट होती है छह लाइनें, ठीक है। अब ये एट लाइंस उसके बारे में कहा गया है कि पहली चार, इसको चार और चार और इसको दो और दो और दो, ऐसा इसका विभाजन हुआ है या फिर उसको इस तरह से विभाजित किया गया है। अगर इसके इसकी राइमिंग स्कीम आप देखोगे तो ये होगी ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। तो पहले आठ लाइनों की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए, है ना। फिर अगर इसका देखोगे सी डी सी डी सी डी, ठीक है, छह लाइनें, इस तरह से आप उसको कह सकते हो सी डी सी डी बाय सी डी। अब ये कैसा है ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। तो इस तरह से ये पेट्रियार्कल सोनेट है और पेट्रियार्कल पेट्रियार्कल सोनेट का अब अगर आप शेक्सपियरियन सोनेट का शेक्सपियरियन सोनेट की बात करोगे तो शेक्सपियरियन सोनेट थोड़ा सा अलग होता है, ये उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं होता है, उसमें होता है शेक्सपियरियन सोनेट में होता है क्वार्टर्स, थ्री क्वार्टर्स, है ना, थ्री क्वार्टर्स होते हैं, मतलब ये चार लाइनें चार लाइनें चार लाइनें और आखिर में होता है ये दो लाइन, है ना, चार आठ बारह दो चौदह, इस तरह से शेक्सपियरियन सोनेट इस तरह से होता है, है ना, ये हो गया, शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट इस तरह से आएगा उसके, और यहां पर ये इस तरह से आ
अंदर में उसके अगर उस आठ को फिर चार चार करके या फिर छह को दो दो करके ऐसा भी किया जा सकता है, पर शेक्सपियर सॉनेट का इस तरह से होता है और पेटर का सॉनेट इस तरह से होता है। इसको इसका फर्क हमें समझना चाहिए, यही इसीलिए ये एक्टिविटी हमारे लिए है। ठीक है, तो ये पेट्रियार्कल सॉनेट है, आठ और छ, आठ को कहा जाता है ऑक्टव, छ को कहा जाता है सेस्टेट। हाँ, मैंने आपको ये कहा पता है, ये बताना भूल गया, चार 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 इसको कहते हैं क्वार्टेट, है ना। ये जो चार चार लाइनें होती है इनको क्वार्टेट कहा जाता है, और ये जो आखिरी होता है इसको कहा जाता है कपलेट, इसको कहा जाता है कपलेट। ठीक है, तो इस तरह से होता है, यहाँ पर ऑक्टेव सेस्टेट होता है, यहाँ पर क्वार्टेट, थ्री क्वार्टेट्स एंड वन कपलेट, इस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। तो ये शेक्सपियर के सॉनेट के बारे में बात करें आपको बता दी, यहाँ पर पेट्रियार्कल सॉनेट के बारे में भी आपको बता दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। दिस इज अ पेट्रियार्कल सॉनेट, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। अभी ये पेट्रियार्कल सॉनेट है, इसके कुछ एग्जांपल्स हमको देने हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज, उसमें ऑब्जेक्ट्स कौन से यूज हुए हैं, है ना। इसमें क्या हुआ है, रिवर, वैली, सन, टॉवर्स, टेम्पल्स, और बहुत सारे, मतलब है ना, इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स में से मतलब ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं ना, उसमें उसके लिए प्रेस क्या यूज किए हैं, कोई में से ऐसे कौन सी लाइन्स है जो प्रेस कर रही है या फिर किसी चीज का बखान कर रही है, गुणगान कर रही है ना। जैसे इसमें पहले हम देख रहे हैं एनीथिंग मोर फेयर, है ना, एनीथिंग मोर फेयर, यहाँ पर ये पूरी लाइन अगर पढ़ो, इसको अगर पढ़ोगे आप तो नेवर हैव आई, है ना, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, अर्थ हैज नॉट मोर एनीथिंग, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, एनीथिंग मोर फेयर, ऐसा यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है। फिर टचिंग इन इट्स मेजेस्टी, ये भी एक टचिंग इन मेजेस्टी। अभी ये जो शब्द है मेजेस्टी है या फिर फेयर है, ये चीजें सौंदर्य का गुणगान कर रही है, इसलिए हम उसको उस तरह से कहते हैं। फिर उसमें मेटाफर यूज हुआ है, जरूर हुआ है, मेटाफर कौन सा यूज हुआ है उसमें, मेटाफर हुआ हुआ है यूज माइटी हार्ट, माइटी हार्ट, माइटी हार्ट मतलब माइटी हार्ट किसके लिए यूज हुआ है, माइटी हार्ट यूज हुआ है भगवान के लिए, है ना। सिमिली यूज हुआ है, जरूर हुआ है, सिमिली में लाइक आया है तो इसमें डॉट लाइक गार्मेंट, है ना, डॉट लाइक अ गार्मेंट। ठीक है, तो इस तरह से उसका यूज इसमें हुआ है। उसके बाद में नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस 14। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम है जैसे मैंने बताया, ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। ठीक है, तो ये हो गया कविता का एक्सप्लेनेशन, बहुत संक्षिप्त में आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल की कोई उसमें बात होनी ही नहीं चाहिए। द प्राइड ऑफ एनी सिटी इज इट्स स्काईलाइन, राइट फाइव लाइंस अबाउट द प्लेस वेर यू रिसाइड एंड व्हाट मेक्स यू फील प्राउड अबाउट इट। देखिए, आपके शहर का जो स्काईलाइन मतलब क्या होता है कि जहां पर क्षितिज जिसको हम कहते हैं, तो आपके शहर का जो क्षितिज आपके यहाँ से दिखाई पड़ता है उसके बारे में पांच लाइनें आपको लिखनी है कि यस ब्यूटीफुल द प्लेस वेर आई रिसाइड हैज गॉट अ लेक जस्ट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम माय हाउस, सो व्हेन आई गो अप ऑन द टेरेस ऑफ माय हाउस आई कैन डेफिनेटली सी द स्काई लाइन वेर द टैंक और वेर द वाटर बॉडी टचेस द स्काई एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एस्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम व्हेन द सन इज सेटिंग, इट मेक्स द एंटायर लेक ऑरेंज विथ इट्स सेटिंग सन।
कलर ऑफ सेटिंग्स है, इस तरह से आप उसको लिख सकते हो आपने अपने हिसाब से, मतलब आपके यहाँ पर कैसा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, अभी पहले सबसे पहली चीज तो आपको उस उद्देश्य समझना है क्यों लिखना है ये। आप तो आप कह सकते हो कि सर ये कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी कहने को लिखने को कहते हैं, ये कुछ भी लिखने को कहते हैं, इसका इसकी वजह यह है कि आपको कम से कम 5 सेंटेंस अपने मन से तैयार करने आने चाहिए, और अगर वो कर सकते हैं आप तो आपकी इसमें समझ जाइएगा कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है। तो ये अपने आप भी आप टेस्ट कर सकते हो, एक-एक करिए। एक अगर आपके आपको 5 सेंटेंसेस एक साथ नहीं करने हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, तो एक करिए, फिर एक सेंटेंस को चेक कीजिए कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है तो उसको कैसे करेक्ट करना है ये भी आपको देख करके वो धीरे धीरे से आपको सीखना है। क्योंकि देखिए टीचर जो होता है, यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टीचर जो होता है वो आपको गाइड कर सकता है, टीचर होता है वो आपको राह दिखा सकता है ना। टीचर आपके लिए चल नहीं सकता है ना। मतलब आप सोचिए कि आपको मुंबई जाना है, आपके शहर से आपको मुंबई जाना है, या फिर आपके मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, तो आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप किसी को पूछते हो कि भाई ये रास्ता किधर जाता है, कौन सा रास्ता है, तो वो व्यक्ति आपको रास्ता बताएगा, वो आपके लिए दिल्ली नहीं जा सकता है ना। तो इसी के लिए जिसका रास्ता उसी को तय करना होता है। शिक्षक आपको मदद करेंगे, हाँ आपके अगर डाउट्स हैं तो आप शिक्षकों को पूछ सकते हो, पूछकर डाउट क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हो, पर करना सबको सब सब कुछ करना आपको ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट सिटीज हैव ऑलवेज फ्लरिश्ड ओनली आफ्टर ह्यूमन इंक्लूजन ओवर नेचर। ऐसा हमेशा से माना जाता है कि ये जो शहर बने हैं ये हमेशा प्रकृति के खिलाफ हुए हैं, मतलब प्रकृति को नष्ट करके ही ये शहर बसे हैं, ऐसा हमेशा से माना जाता है। उस पर आपको एक स्पीच लिखना है, लिख सकते हो, फिर वही राइटिंग सेक्शन है, फिर भी आपको सोचना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बड़ी टिप देता हूँ कि कभी भी लिखते हुए आसान शब्द का उपयोग कीजिए, और उसके साथ साथ सेंटेंसेस छोटे छोटे रखिए ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ सॉनेट, अभी ये सारी चीजें हमने बहुत की है। राइट अ समरी ऑफ द सॉनेट, ये भी हमने किया है। व्हाइल बिल्डिंग अ ब्रिज अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, दे आर आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स इंजीनियर्स ऑफिसर्स मेसन्स पॉलिटिशियंस building material suppliers carpenters etc write about the qualifications of these people choose any career from the list above and complete the table engineer ek engineer ki engineer ka udaharan hum lete hain to ek engineer ke liye kaun kaun se career options hai engineer hai na abhi engineer bahut sare tarikon ke hote hain bahut sare alag alag types ke engineers hote hain it engineer hote hain computer engineer hote hain उसके बाद में इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर होते हैं। अभी ब्रिज बनाने के लिए हमें जो इंजीनियर की जरूरत है वो है सिविल इंजीनियर की जरूरत। सिविल इंजीनियर क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर इंजीनियर जो होते हैं वो ये हमें बताते हैं कि ये जो ब्रिज बनने वाला है इस पर से कितना वजन ले जाया जाने वाला है, ये समझ करके उनको उस तरह से वो ब्रिज बनाना होता है। इसके इसका मतलब है कि इस पर से ट्रक जाने वाली है तो वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, इस पर से 11, 12, 20 टन की ट्रक अगर जाने वाली, उस पर से अगर ट्रेन जाने वाली हो तो और भी ज्यादा मजबूत उसको होना चाहिए। तो उस तरह से फिर उसमें कितना आयर क्या कहते हैं स्टील जाएगा, उसमें कितना लोहा जाएगा, उसमें कितना सीमेंट पड़ेगा, और सीमेंट और रेती और जो मेटल होती है मतलब छोटे से जो रॉक्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, ये सारी चीजें एक इंजीनियर देखता है और उसी हिसाब से उसको वो ब्रिज प्लान करना होता है, उसको बनाना होता है, कितना टन उसको स्टील लगेगा, ये सारी चीजें एक इंजीनियर को करनी होती है। ठीक है, तो हाँ अभी बहुत सारे ब्रिज हमारे इंडिया में फेमस ब्रिजेस है, जैसे हावड़ा ब्रिज है, लक्ष्मण झूला है हरिद्वार का, या वर्ली सीलन है बम्बई का। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप निकाल सकते हो और उसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो।
आशा करता हूँ ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।